क्या तुमको FPS गेम्स पसंद है? और क्या तुम कॉल ऑफ ड्यूटी का मल्टीप्लेयर खेलना चाहते हो? क्या तुम मेरे जैसे गरीब हो? और क्या तुमको कॉल ऑफ ड्यूटी का प्राइस बहुत ही ज्यादा लगता है? तो भाई, हम जैसे लोगों के लिए आ चुका एक बहुत ही बढ़िया गेम जिसका नाम है एक्स डिफाइंड, और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो शॉर्ट में समझा देता हूँ, गेम है क्या। ये है 6v6 अरीना शूटर गेम, जैसा कि कॉल ऑफ ड्यूटी का मल्टीप्लेयर है। तो बहुत से लोगों को पता नहीं कॉल ऑफ ड्यूटी में मल्टीप्लेयर भी होता है, क्योंकि वो बेसिकली सिर्फ वॉरजोन खेलते हैं जो फ्री आता है। जो इसका मल्टीप्लेयर होता है वो पेड होता है, वो 5 से 6 हज़ार रुपये का आता है हर साल, और पूरा अच्छा खासा मस्त मल्टीप्लेयर होता है, खेलने में मज़ा आता है। मैंने भी 2-3 बार खरीद रखा है उस गेम को और मज़ा आता है उसमें। तो ये बिल्कुल वही चीज़ देने का ट्राई कर रहा है, बस फ्री में। पर उसके साथ एक और चीज़ आ जाती है कि फ्री है तो एकदम ही परफेक्ट नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं इसमें भी, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। बट पहले इसके अपन प्लस पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका बताऊं, तुम देख सकते हो स्क्रीन पे मेरी पिंग आ रही थी 17। इसके सर्वर इंडिया में हैं या तो इंडिया से कहीं क्लोज हैं, क्योंकि इसमें पिंग बहुत कम आती है ना। तो इसको तुम रेगुलर खेलोगे तुम्हारा दिमाग ख़राब नहीं होगा। अगर तुम वैलोरेंट वगैरह खेलते हो तुमको उसमें भी पिंग कम आती है, तो वो एडवांटेज तुमको इस गेम में भी मिलेगा। मेरी 17, 11, 12 तक पिंग देखी है मैंने, इतनी कम गई थी, और ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज हो जाएगा हम लोग के लिए। क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी में जब भी खेलता हूँ ना, उस गेम के 5-6 हज़ार रुपये देने के बाद भी मेरी पिंग कभी भी 90 से नीचे नहीं आती है। ठीक है, 90 पिंग मेरी एवरेज है उसमें, बाकी 90 से ऊपर तो जाती है, 90 सबसे कम बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, मेरी उसमें 150-200 तक पिंग जाती है आराम से, बिना कुछ दिक्कत के। तो इस गेम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मेरे को ये लगा, इसमें पिंग अच्छी है। उसके बाद अभी फ़िलहाल गेम अपने प्री सीज़न में चल रहा है। तो प्री सीज़न क्या होता है, जो मेन सीज़न 1, 2, 3 स्टार्ट होने वाले होते हैं उसके पहले होता है। ठीक है, तो आई थिंक 20 या 30 दिन का होगा सीज़न। इसका बैटल पास दिया इन लोग ने 30 डेज का, तो उसको अगर तुम करना चाहते हो तो कर लो। और ये पहला गेम है ऐसा यूबीसॉफ्ट का जो मैं देख रहा हूँ जिसमें बैटल पास में तुम जितने कॉइन्स खर्च करोगे उतने ही रिटर्न दे रहा है। फिलहाल तो ये दे रहा है प्री सीज़न में, पता नहीं नॉर्मल सीज़न में क्या रहेगा। क्योंकि इसके जो दूसरे गेम्स खेले मैंने, रेनबो सिक्स सीज देख लो तुम, तो उसमें जितने भी तुम कॉइन्स खर्च करते हो उसके 50% वापस मिलते हैं तुमको, बस बैटल पास पूरा करने पे। उसके बाद द क्रू भी खेल रखा है मैंने, क्रू 2, उसमें भी यही सीन था कि उसमें 80,000 कॉइन्स का आता था उसका बैटल पास, और तुमको रिटर्न में सिर्फ 40,000 कॉइन्स मिलते थे। तो तुमको 400-500 रुपये खर्च करने पड़ते थे अगर तुमको दूसरा बैटल पास लेना है। तो वो इन लोगों ने इस गेम में चेंज कर दिया, अगर तुम एक बार बैटल पास लोगे तो शायद हर बार ले पाओ। अब ये आगे जाके कैसे चलता है मैं कुछ बोल नहीं सकता, बट अभी ऐसा सीन है ना। मेनली मैं गेम्स इसलिए खेलता हूँ ताकि बैटल पास में जो बढ़िया बढ़िया स्किन्स होती हैं वो कम प्राइस में ज़्यादा स्किन्स मिल जाएँ। बट जिस हिसाब की इसमें स्किन्स है मेरे को वो इतना वर्थ नहीं लग रहा, क्योंकि ऐसी मिड स्किन्स है फिलहाल। अब अपन बात कर लेते हैं मेन चीज़ जो है इसका गेम प्ले, कि गेम प्ले कैसा है इसका। तो देखो सही सही बताऊँ, इसका गेम प्ले मेरे को ठीक लगा, इतना खास इंप्रेस नहीं किया इसके गेम प्ले ने मेरे को। इसके पहले मैं 3 से 4 कॉल ऑफ ड्यूटी खेल चुका हूँ अलग अलग टाइप के, 3 से 4 तो नहीं, 3 ही खेले होंगे मैंने, हाँ बाकी चौथा मैंने ट्रायल वगैरह पे खेला है। मैंने 2019 से स्टार्ट किया है कॉल ऑफ ड्यूटी खेलना, मॉडर्न वॉरफेयर 2019, फिर कोल्ड वॉर लिया था मैंने, उसके बाद फिर वैनगार्ड मैंने ट्रायल पे खेला था, और अभी रिसेंटली जो मॉडर्न वॉरफेयर 2 आया था वो खरीदा था मैंने। ठीक है, तो उसमें जो गन का फील होता है ना वो थोड़ा हैवी लगता है गन चलाते हुए, है ना। इसमें थोड़ा हल्कापन है गन्स में, बहुत पता नहीं इतना अजीब क्यों लग रहा है, थोड़ा गन्स में हल्कापन है। उसके बाद तुम जब चलाओगे ना गन्स तो इतना बढ़िया सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा तुमको जितना कॉल ऑफ ड्यूटी में मिलता है। ठीक है, तो पता नहीं वो लोग ये इस चीज़ को फिक्स कर पाएंगे कि नहीं, वो फ्यूचर ही बताएगा। फिलहाल तो मेरे को ठीक लगा, इतना कुछ बढ़िया नहीं बोलूँगा मैं। मैंने इसमें SMG चलाई है अभी फ़िलहाल, उसके बाद तुम्हारा असॉल्ट राइफल हो गया, शॉटगन हो गया, ये तीनों ही मेरे को बेकार लगी चलाने में। स्नाइपर मेरे को ठीक लगी, 1 shot 1 kill करती है अगर हेड पे लगे तो, बॉडी में लगे तो इतना 1 shot पोटेंशियल नहीं है बिल्कुल गन्स का। ठीक है, बाकी आगे देखेंगे। अभी मैंने इसको थोड़ा ही खेला जब ये गेम रिलीज़ हुआ है, इसको बीटा में खेला था मैंने अच्छा खासा 7-8 घंटे। ठीक है, बट जो मैंने बीटा में खेला था गेम बिल्कुल वैसा ही है, मेरे को कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे अभी। ठीक है, लास्ट ईयर आया था इसका बीटा, उसके बाद से अभी तक इन लोग ने क्या किया है मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये लोग बोल रहे हैं कि इन लोग ने अपना नेट कोड ठीक किया है, अब वो लॉन्ग टर्म जब मैं खेलूंगा तब मेरे को पता पड़ेगा। अभी सिर्फ 3-4 गेम खेले थे मैंने और उसके बाद बंद कर दिया। एक चीज़ मेरे को और फील हुई इस गेम में कि जब हम गन चलाते हैं ना, देखो पिंग मेरी बहुत कम आ रही है ना, बट जब मैं कवर पे चला जाता हूँ फिर भी मेरे को गोलियाँ पड़ती रहती हैं। ये दिक्कत एपेक्स में भी आती है और ये दिक्कत इसमें भी आ रही है, होपफुली इसको फिक्स कर दें, क्योंकि ये बहुत ही अनोइंग और घटिया चीज़ है, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम कवर में जा रहे हो और तुमको गोलियाँ पड़ रही हैं, भाई क्या बेवकूफ़ बने हैं। तो देखते हैं ये लोग कब तक फिक्स करते हैं इसको। और इसमें एक और चीज़ बता दूँ, ये देखो अलग अलग क्लासेस दिख रही है तुमको स्क्रीन पे, इसमें क्लास सिस्टम होता है अलग अलग।
जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी में तुम बस एक ऑपरेटर ले लो और खेलते रहो, और उसमें तुम शूटिंग करोगे, तुम्हारा स्कोर बढ़ता रहेगा और उससे तुम किल स्ट्रीक मंगा सकते हो। इसमें अलग अलग क्लासेस हैं, फिलहाल 5 क्लासेस हैं, 4 क्लास तुमको मिलेंगी और 5वीं क्लास तुमको अनलॉक करनी पड़ेगी चैलेंज करके, या फिर तुम पैसे देके उसको खोलना चाहते हो तुम वो भी कर सकते हो। बाकी हम आ जाते हैं वेपन के प्रोग्रेशन की तरफ, तो वो कैसा है इसमें, क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी हम खेलते हैं वेपन प्रोग्रेशन के चक्कर में, है ना, उसमें बढ़िया बढ़िया स्किन्स होती है, गन्स के कैमो होते हैं, तो इसका प्रोग्रेशन सिस्टम थोड़ा अजीब सा है। हर वेपन का 100 लेवल तक है जहाँ तक मैंने देखा है, जो मेन वेपन है, पिस्टल वगैरह का नहीं पता मेरे को, ठीक है 100 लेवल्स हैं। धीरे धीरे तुम लेवल अप करोगे, तुम्हारे नए नए अटैचमेंट्स खोलेंगे। उसके बाद इसमें 3 स्किन्स दे रखी हैं फिलहाल हमको, एक ब्रोंज है, एक सिल्वर है और एक गोल्डन है, ठीक है, वो तुम्हारे लेवल 60, 70, 80 ऐसे तुम लेवल अप पे ही मिलेगी तुमको, कोई स्पेसिफिक चैलेंजेस नहीं दिए हैं इसमें, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो ये सीन है, क्या पता मेन सीज़न में ये लोग कैमो के चैलेंज दे दें ताकि कुछ हो करने के लिए, क्योंकि इसमें अभी कुछ है नहीं इतना प्रोग्रेशन सिस्टम, बस वही बेसिक चीज़ें हैं कि तुम स्पॉन हो, तुम बंदे मारो या फिर तुम मर जाओ फिर वापस स्पॉन हो, फिलहाल यही चीज़ है। और गन्स को लेवल अप करना है तुमको तो कर सकते हो अभी, वही है फिलहाल। और गेम मोड्स के हिसाब से भी इतने कुछ ज़्यादा मोड्स हैं नहीं अभी इसमें, 5 या 6 तुमको मोड मिलेंगे। एक नॉर्मल प्लेलिस्ट है कैजुअल वाली, जिसमें स्किल बेस्ड मैच पैकिंग नहीं है, ये भी एक इसकी अच्छी बात है, स्किल बेस्ड मैच पैकिंग नहीं मिलती है तुमको। और इसमें एक रैंक मोड भी है जहाँ पर रैंक के हिसाब से तुमको बंदे मिलेंगे, ठीक है। और यही चीज़ें थी बेसिक, बाकी बस एक और अब बात कर लेते हैं थोड़ी कुछ डाउन साइड्स की इसकी, कि क्या क्या दिक्कतें हैं इसमें। सबसे बड़ी बात तो वही है कि गेम इतना प्रीमियम फील नहीं होता, फ्री गेम है तो फ्री गेम के हिसाब से ही लगता है ये, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि एक यूबीसॉफ्ट का गेम है, और यूबीसॉफ्ट ने रिसेंटली कुछ ऐसी हरकतें करी हैं जिससे थोड़ा सा मैं दूर रहना चाहता हूँ इनसे, बट क्या करें, नहीं रह सकते, फ्री गेम है और बहुत सारे यूबीसॉफ्ट के गेम्स हैं मेरे पास। असैसिन्स क्रीड भी यूबीसॉफ्ट बनाता है तो वो भी दुख की बात है, वो भी मेरी फेवरेट सीरीज़ है, तो दूर होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट देखते हैं इनके फ्यूचर अपडेट कैसे आते हैं उसके हिसाब से अपन इस गेम को जज करेंगे। फिलहाल तो प्री सीज़न है, प्री सीज़न के हिसाब से जो भी है ठीक है। और इसके गेम मोड्स में बता रहा था, एक तो ये जो पैकेज इधर से उधर मूव करने वाला है एक मोड, उसके बाद डोमिनेशन मिल जाता है, उसके बाद एक कंट्रोल जैसा मोड मिल जाता है, मतलब एक जगह रहती है वो चेंज होती रहती है बार बार, उधर जाके तुमको उसको कैप्चर करना होता है। उसके बाद हाँ ये मेन चीज़ है, बाकी और इतने कुछ खास मोड है नहीं खेलने लायक जिनमें मज़ा आए, तब ऐसी चीज़ें होपफुली आगे जाके ये फ्री फॉल और या फिर TDM ये सब ऐड कर दें, क्योंकि वो सारी चीज़ें हैं नहीं। और देखते हैं क्या होता है आगे जाके इस गेम का फ्यूचर, फिलहाल जैसा गेम है मेरे को तो डिसेंट लगा ये। तुम ट्राई करना चाहते हो तो यूबीसॉफ्ट कनेक्ट नाम का इनका क्लाइंट होता है, उसको डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से गेम डाउनलोड करो और क्या, और मज़े करो। और अगर तुम खेलना चाहते हो साथ में तो मेरे को बताना, मेरे डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, और अगर मुझे कभी टाइम मिला तो साथ खेल लेंगे। वैसे मेरे को टाइम मिलता ही नहीं है तो ज्वाइन करके बार बार पिंग मत करना, क्योंकि मैं फिर जवाब नहीं देता हूँ, दिमाग ख़राब करे कोई मेरा बार बार, तो ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, होपफुली तुमको इस वीडियो में थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिला होगा इस गेम के बारे में, जिस हिसाब का भी गेम है ठीक है। इसको अगर स्कोर देने की बात करें अपन तो भाई अपन 10 में से फिलहाल इसको 6-6.5 दे सकते हैं, ठीक गेम है बट इतना बढ़िया भी नहीं बोलूँगा मैं, बट खेल सकते हो तो ठीक है। तो चलो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।